मैं जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। रीना रशीद पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया था लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती और उसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पर पहले परवीन पवार जो है उपोषण पर बैठे थे। छठवें दिन तबियत बिगड़ने के बाद जो है उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, उसके बाद जो है फिर सचिन शिवा जगताप ये उपोषण पर बैठे और 14वां दिन यहाँ उपोषण का है लेकिन अभी तक जो है रीना रशीद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल उपोषण जो लोग कह रहे थे, इनका कहना था कि जब तक रीना रशीद की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये उपोषण जारी रहेगा, लेकिन 14वें दिन आज है और शहर के उलमा इकराम कल यानी कि उपोषण का जब 13वां दिन था तभी शहर के उलमा इकराम और कलवा बुमरा के विधायक जितेंद्र आवाज के साथ में एनसीपी कार्यालय में एक मीटिंग ली गई थी कि शहर के तमाम उलमा इकराम जो है इस उपोषण को खत्म कराएंगे आज 14वें दिन। और आज करीब दोपहर 12 बजे के आसपास तमाम दलित समाज के जो है लोग और एनसीपी कार्यकर्ता मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर भी यहां पर जमकर नारेबाजी की गई, गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन उसके बाद मौके पर जो है एसीपी जो है विलास शिंदे वो यहां पर पहुंचे और जो सचिन जगताप है जो उपोषण पर बैठे थे उनका उपोषण जो है तमाम उलमा इकराम और एसीपी विलास शिंदे ने मिलकर जो है उन्हें शरबत पिलाकर जो है उनका उपोषण खत्म कराया। दरअसल उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है लगभग वो पूरी होने वाली है और जल्द ही रीना रशीद की गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस पूरे मामले पर उपोषण खत्म होने के बाद जो है पल्लवी शिवा जगताप से हमने बात की, एसीपी विलास शिंदे ने क्या कुछ कहा है और जो तमाम उलमा इकराम यहाँ पर समर्थन में पहुंचे थे उन लोगों ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। शहर में कुछ खराबी आए या और उसके जान जोखिम में पड़े इसलिए हमको सत्य बताना जरूरी है। हमने अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसका वेरिफिकेशन करके ही अगला कार्रवाई की जाए। गिरफ्तारी की मांग है, इससे पहले भी मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। एसीपी साहब ने और हमारे जो भी मुस्लिम समाज के सम्माननीय लोग हैं उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है, पुलिस ने लिखित तरीके से आश्वासित किया है कि हम लोग जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। और जो मुस्लिम समाज के जो सारे सम्माननीय लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से आगे आके यहाँ पर इस अनशन को सपोर्ट दिया दिखाया है और मुमरा में और भी कई समाज है जिन्होंने इस 14 दिनों में हमें हर पल हर वक्त वो हमारे साथ खड़े रहे, यहाँ पर आते रहे, हमें दिलासा देते रहे। मैं आपके जरिए सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हर वक्त हर पल हमारे साथ रहे इस लड़ाई में। और जिस तरह से पुलिस ने हमें अभी कहा है कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई होगी, तो उस पर विश्वास रखकर आज हम लोगों ने अनशन तुड़वाया। देखो बेटा, शहर के हालात को देखते हुए कल शहर के जिम्मेदारान, उलमा इकराम, तमाम मसाजिद के अइमा हजरात एक मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि भाई हम लोग पुलिस से चल के बात करें। और 6 दिसंबर है, आपको मालूम है अम्बेडकर जयंती है, बाबरी मस्जिद का शहादत का दिन है, कहीं शहर के हालात ना खराब हों इसके मद्देनजर हम लोग जो है तमाम उलमा आके ऑफिसर से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया है और लेटर भी लिखित में दिया है। और हम लोग आके बच्चे से अपील किए कि बेटा जो है धरना खत्म करो और शहर के माहौल को बाकी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस ने आपको क्या बताया इसके बारे में, आश्वासन क्या दिया? पुलिस तो भी आपने सुना होगा, इसी भी साहब डायरेक्ट आपसे मुखातब थे और पूरी बात उन्होंने बता चुकी, उसको हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो भी उनको वादा करना था उन्होंने लिखित में दिया है और आपसे भी बात कही है। अच्छा, मुमरा शहर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवाल पैदा कर रहे हैं कि उलमा इकराम जो है उनको ऐसे राजनीतिक जो ये माहौल था इसमें उनको एंट्री नहीं मारनी चाहिए थी। देखिए बेटा, ऐसा है कि शायद मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं हूँ और मैं 25 जनवरी से मुमरा में हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि या उलमा इकराम को आप ऐसा समझते हैं कि कोई सियासी बैनर पे कोई इस्तेमाल कर ले, ये उलमा की तौहीन है, आपको गलतफहमी है। उलमा शहर के हालात को मद्देनजर रखते हुए खुद हम लोगों ने कोशिश किया, यहाँ के सियासी लोग और जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कि भाई हमारे मुमरा कौसा में ऐसा माहौल ना बनाया जाए, एक दलित का बच्चा है। अब अंदरूनी क्या बात है वो तो पुलिस जाने और साबे मामला जाने, हम लोग तो शहर के माहौल के ऊपर निगाह रखे हैं।
कि हमारे शहर का माहौल ना खराब हो, उसके लिए सारे उलमा जो है इसकी कोशिश की है कि भाई ये धरने को खत्म किया जाए।